देश में दिन ब दिन बढ़ रहे तेल के दामों को लेकर जहां आम आदमी में काफी मायूसी छाई हुई है, वहीं एक तरफ तेल की बड़ी कीमतों को लेकर घर का बजट भी बिगड़ गया है, वहीं दूसरी तरफ रेट के बढ़ने के साथ लोगों की रोजी रोटी भी छिनने लगी है। वहीं देश में आए दिन बढ़ रही तेल की कीमतों ने मानो लोगों को एक और झटका दे दिया। जो लोग ऑटो रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे, मानो वे मुश्किल से घर का गुजर बसर कर पा रहे हैं। दरअसल इनकी मुश्किल यह है कि डीजल के दाम बढ़ने के कारण डीजल ज्यादा लगता है, मगर ग्राहक पैसे उतने ही देता है जितने पहले देता था। वही तेल की बड़ी कीमतों ने घर का पूरा बजट बिगाड़ दिया है और महिलाओं को घर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ सब्जियां कम रेट पर मिलती थी और अब सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए बजट को मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा है। महंगाई जिस अजकल सरकार ने पेट्रोल डीजल ते घर दी भी जरूरत जिहड़ियां मतलब की वर्तन होने वाली चीजा वधा दित्तियां, जिता सिलेंडर है, सिलेंडर पहले आप 600 च भरांदे आ ते हुण असीं 850 च भरान लग पए आ, ते गरीब लोग लई मतलब की भरा वर्तन वाली चीजा जिहड़ियां चलो खाण पीन वाली चीजा भी महंगा दित्तियां उन्होंने, इस करके अहीं कहना चाहते कि इन्हां नूं रोक लाउणी चाहीदी ते घट करने चाहिए इन्हां दा। सब्जियां की कीमत जिस तरह पहले असं 10 रुपये च लेने तो हूँ 60-70 तो 50-60-40 रुपये से सब्जी लीती जाती है, इस तरह गरीब लोग लिए लैनी मतलब कि औखी हो जाती है कि गरीब लोग खा पी नहीं सकते कि लैके सब्जियां वरतन वाली चीज़ों। सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इन्हें रोक लानी चाहिए है, इन्हों की महंग इन्हों के दाग घट करने चाहिए आ, पेट्रोल डीजल गैस सब्जियां तो जेडे घर आने वरतन वाण में तेल खंड इन की कीमत घटानी चाहिए ने। नहीं जी कोई भी सस्ता नहीं किया, सगो तो वधा दिता मोदी साहब ने। बहुत मुश्किल आ रहा, मुश्किल जनता से बहुत ज़्यादा भार पिया जी, कोई गरीब बंदा किराया नहीं खर्च सकता, बहुत मुश्किल आ। तेल बदलना किराया वाधा तो है, पर जनता जी ना जनता बहुत बेचारी मुश्किल होती है, पैसा तो है नहीं लोगों को, की करना 15-20 किलोमीटर चल के आई बेचारियाँ काम वाली जड़ियाँ 10 रुपये देंदियाँ वह भी बड़ी मुश्किल, डीजल का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, गड्डी किराए से चला रहे हैं जी, किराया बड़ा औखा 300 रुपया करो बहुत औखा, 300 का किराया 400-500 का तेल 100-200 रुपया कुछ भी नहीं है घर का खर्चा जी। पिंडों अं 25-30 किलोमीटर चल के जाने अं जी काम वाले सारी 1000 रुपये लेने 400 रुपये का तेल लग जाता, तो माह 500-600 रुपये साढ़ा बनता इदों बाद नहीं पैसे बनते, तो तेल की इन्नी महंगाई है 72 रुपये लीटर तेल हो गया, तो इन्हें तेल घट्टों घट हो जाए तो साडा रोटी पानी चलता। जागती लड़के लिए अमृतसर से अमन महाल की रिपोर्ट।